हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में हम जा रहे हैं ऋषिकेश मोनी दीदी और अमन जीजू की प्री वेडिंग शूट के लिए, और इस ट्रिप पे हमारे साथ जा रहे हैं अमन जीजू के दीपिका दीदी और तरुण जीजा जी, साथ में 5-5 कैमरामैन। वो सब इनकी प्री वेडिंग शूट करेंगे और मैं तो बस अपना व्लॉग बनाऊंगा। इस ट्रिप पे हमने खूब एडवेंचर किया, गंगा जी में डुबकी लगाई ठंडे पानी में, एकदम ठंड में, और बहुत मजे किए। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो गाइज हमारी पैकिंग तो हो गई है, ये मैं तैयार हो गया, मोनी दीदी भी सही तैयार होगी, तो अभी चलो फाइनली चलते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम। तो गाइज अभी हम यहाँ रेस्टोरेंट में रुके थे थोड़ा कॉफी चाय पीने के लिए सापला। तो गाइज मस्त चाय कॉफी पी ली है, अब चलते हैं ऋषिकेश के लिए। बहुत लेट हो गए हैं, देखो टाइम 1:30 बज गया है। तो गाइज अब रुके सेकंड चाय ब्रेक के लिए, हमने मुजफ्फरनगर क्रॉस कर लिया है और अब बस 100 किलोमीटर बचा हुआ है ऋषिकेश। तो फटाफट चाय पीते हैं ठंड में, मैं तो पीता ही नहीं। ओम वाला ब्रिज, जय गंगे मैया, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले। तो गाइज फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए हैं और गाड़ी पार्किंग में लगा दी, और देखिए सुंदर सुंदर पहाड़, बहुत अच्छे अच्छे, जय गंगा मैया। और बहुत ठंड पड़ रही है अभी तो। अरे बच्चा। तो गाइज ऋषिकेश तो अच्छे से पहुंच गए थे, गंगा जी को नमस्कार भी कर दिया, लेकिन तभी फोटोग्राफर बोलता है चलो फर्स्ट लोकेशन पे चलते सनराइज से पहले। और भाई क्या ही उसने एडवेंचर लिया शॉर्टकट के चक्कर में, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे एडवेंचर करके हम फर्स्ट लोकेशन पे गए शूटिंग के लिए। बिजली सर फूट जाता भी आपका इसमें, पता नहीं कहां कहां से जा रहे हैं हम, देखते हैं कहां जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले शूटिंग हो रही है राम झूले पे। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको शूटिंग कराते हुए? बारी में हो गया, उसने 4 टेक लिए, 5 टेक लिए, 5वां है। ओ बढ़िया, वेरी गुड। बोलना के था, बताता हूँ ऐसे आना। क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं बोलना, गाना चलेगा। 1:32 तो गाइज अगर इनका हर टेक मैंने अपने ब्लॉग में लिया ना तो मेरी स्टोरेज वैसे ही फुल हो जाएगी मेमोरी कार्ड की। तो इनको अपना बनाने दो, मैं अपना खुद का अलग ब्लॉग बना रहा हूँ। वैसे भी इनकी प्री वेडिंग वीडियो जो भी है वो अपने इस चैनल पे ही आएगी, तो आप तब देख लेना पूरी। तो गाइज सूरज देवता भी निकल गए हैं और अब तक इनका फोटोशूट कम्प्लीट नहीं हुआ है, हम वेट कर रहे हैं। देखो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गंगा नदी के बिल्कुल पास में सूर्योदय देखते हुए। तो गाइस फाइनली यहाँ की शूटिंग हो गई कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई आते हुए पता नहीं किसकी शॉर्टकट से आए थे गंगा नदी के किनारे, अब तो बकायदा रोड से जा रहे हैं, पूरा लंबा रास्ता लेके, शॉर्टकट नहीं लेंगे। तो गाइज आ चुके हैं सेकंड लोकेशन पे, यहाँ पे होगा शूट बढ़िया एकदम भैया के साथ। क्या नाम है भैया आपका? राहिल। राहिल, वाह वाह वाह, ये शूट होना चाहिए ना, क्या गजब है ये बिहाइंड द सीन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे बढ़िया बढ़िया, ध्यान से नीचे मत गिरा देना उधर खाई में। हाँ ये क्या हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी बैठो, नहीं आ रही कोई गाड़ी, नहीं आ रही, बस कोई आ जाए। चलो वाह, कैसा लगा रोड पे आके आपको? मजा आया, कभी नहीं आए थे रोड के बीच में। रोड पे आके आपको कैसा लगा? रोड पे आके, रोड के बीच में आके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल। तो सेकंड लोकेशन का भी शूट कंप्लीट हो गया गाइस, अब चलते हैं थर्ड लोकेशन पे। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब खाना खाए, पर कोई बात नहीं, इन दोनों के लिए सही क्या? मेरा बलिदान याद रखना, पहले खाना, खाना नहीं खाया, तुम्हारे दो दो शूट हो गए। मैंने भी नहीं खाया। हाँ इन्हें भी नहीं खाया, पर मैंने नहीं खाया, वो ज्यादा बलिदान है ना, इनका तो शूट हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रगणों,
अब हम आए हैं भोजन करने, मेरी प्रार्थनाएं सबने सुन ली है, तो चलिए भोजन को ग्रहण करते हैं। प्यारे मित्रगणों, यहाँ की गौ माता छोटी नहीं। प्यारे मित्रगणों, ये है पहाड़ी गाय, इसे आप बच्ची मत समझना, ये पूरी बड़ी विकसित गाय है और यहाँ की गायें छोटी ही होती हैं हाइट में। क्यूट सी गौ माता की जय। मित्रगणों, हमारा भोजन बस तैयार हो ही गया है, अब हम यहाँ बैठ के सब खाएंगे। तो मित्रगणों, खाना तो समाप्त हो गया है, अब चलते हैं तीसरे स्थान पर। हम थर्ड लोकेशन पे पहुंच गए और यहाँ से बहुत ही जाने कैमरे में दिख रहा होगा, यहाँ से तो सिर्फ भाई 4x4 की गाड़ियाँ ही ढंग से आई जा रही है, या सुमो मैक्स बलेरो वगैरह ही, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। और पहाड़ का तो क्या बताऊँगा, इस बहुत सुंदर सुंदर है, कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो रहा, सच बता रहा हूँ। ए बड़े बड़े पहाड़ पर्वत मस्त। अभी चलते हैं शूटिंग लोकेशन पर। तो गाइस देखो 1:30 बज गए और हम कितनी देर के आए हुए यहाँ लोकेशन 3 पे, पता है किसकी वजह से इतना टाइम हो गया, देखिए इतना टाइम हो गया, जिनकी प्री वेडिंग है आधा घंटा, एक घंटा हो गया होगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ, हम वहाँ गए थे कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए, तो ये अमन जी एक जगह थके हुए थे, ऐसे ही बैठ गए, बैठे बैठे सो गए, फिर क्या हम इनको ढूंढ रहे परेशान हो गए, कहाँ गए, फोन नहीं मिल रहा, क्या हो गया, एक तो रेंज ही आनी थी, फिर गए दीदी और जीजा जी ढूंढने इनको और बड़ी मुश्किल से मिले, और फिर उसके बाद अब आए हैं, तो अब शुरू करते हैं, फाइनली मिल गए, सो गए थे। हाँ तो गाइस फाइनली शूटिंग शुरू हो गई है, ये हमारे कैमरा मैन, बहुत ज़्यादा वाह क्या सीन है, क्या सीन है। और गाइस यहाँ शूटिंग करते करते और हादसा होते होते बच गया, वाह क्या रिफ्लेक्स थी भाई की, बचा लिया दूसरे भाई। तो यहाँ कुछ ज्यादा जोश दिखाया जा रहा है गाइस फोटो लेने में उनकी। तो गाइस फाइनली थर्ड लोकेशन भी हो गई कंप्लीट, अब चलते हैं फोर्थ लोकेशन पे, बहुत थक गया मैं और बहुत टाइम लग गया, 3:30 बज गए हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइस फोर्थ लोकेशन पे पहुंच गया, एक पेड लोकेशन है थोड़ा नीचे जाके, और बहुत नींद आ रही है क्योंकि पल पूरी रात नहीं सोए, ड्राइविंग में चली गई, और मैं ले आया हूँ ठंडी ठंडी स्टिंग। हाँ सर्दी में पीना ठीक नहीं, पर ये मेरे को नींद तो ख़त्म कर देगी ना, फिर रात में आराम से सो लूँगा। कैमरामैन भैया कैमरा रेडी कर रहे हैं पूरा, और देखो हमारी दोनों गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, औरों की भी यहाँ गाड़ी खड़ी है, और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2000 रुपये जुर्माना, और सबकी गाड़ी खड़ी करी है, हम क्या करें। और ये यहाँ पे ड्रेस फाइनल करते हुए क्या पहननी है, पता है क्या है, पहले ना जैसे अमन जी बता रहे हैं कुछ टाइम पहले आए थे तो खाली पड़ा था, ये कुछ नहीं होता था, पर अब प्री वेडिंग शूट बहुत ज़्यादा होने लग गए इस लोकेशन पे, तो इन्होंने चार्ज्ड कर दिया है। आपको भी नीचे चल के दिखाता हूँ कि किस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखो अभी हम बहुत नीचे जा रहे हैं, ये देखिए ये कुछ लोकेशन है, अभी और नीचे चलते हैं। ये देखो बकायदा यहाँ प्री वेडिंग डेकोरेशन वगैरह के पोस्टर लगे हुए हैं, बाइक के रेंट के, ड्रोन के रेंट के, सब कुछ।
तो गाइस मैं इसकी बात कर रहा था, ये देख रहे हो एक एक सजा रखा है। यहाँ पे प्री वेडिंग होती है, अपना अपना स्टोर लगा रखा है सबने अलग अलग तरीके से। आप कोई भी बुक करो, पैसे दो और वहाँ पे प्री वेडिंग आप शूट करा सकते हो नदी किनारे। ठीक है, आज से कुछ 2-3 साल पहले ऐसा ज्यादा नहीं था, पर अब ज्यादा हो रहा है। तो गाइस ये देखिए मस्त बात, हमारे फोटोग्राफर भैया अम्मा के साथ बना रहे हैं मैगी मिलके, खुद ही बना रहे हैं और खुद ही खाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। तो गाइस इस लोकेशन पे तो एक नहीं 2-3 शूट होंगे अलग अलग टाइम में, रात होने का भी इंतजार करेंगे। पर ज़्यादा तो मैं नहीं दिखाऊंगा, आप सीधा प्री वेडिंग में देखना, थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। पहले तो ये यहाँ सब मैगी खा रहे हैं, फिर उसके बाद इनका ये नॉर्मल शूट होगा, फिर उसके बाद रात का अंधेरा होने के बाद स्पेशल शूट होगा। वाह जी वाह जी वाह जी वाह। तो गाइस एक प्री वेडिंग वहाँ चल रही है, एक यहाँ पे होगी इनकी और एक वहाँ पे की तैयारियाँ हो रही है। मतलब एक टाइम पे 3-3, 4-4 चलती है यहाँ पे। बोलो पैकअप। नहीं नहीं बोलो ना, इनका लास्ट शॉट था और गाइस पैकअप हो गया है। तो गाइस फाइनली ऋषिकेश से आ गए हैं, हरिद्वार में एंटर करने ही वाले हैं और यहाँ हमें मिल गया वैष्णो ढाबा पंजाबी। तो यहाँ चलते हैं और डिनर करते हैं फटाफट, बहुत भूख लग रही है सबको। देखो सबके चेहरे देखो, भूख से बेहाल बेचारे, हम सब बेचारे हो गए हैं, लेकिन अब हमें खाना मिलेगा और हम खुश हो गए। ये देख मोनी दीदी अकेले अकेले क्यों बैठे हो दूर? आया आपको कैसा लगा शूटिंग पूरा दिन करके? क्या थक गई? बात तो सही है यार गाइस, बहुत थकान हो रही है, पता है क्यों? एक तो कल सारा दिन काम किया, उसके बाद कल पूरी रात फिर हम ड्राइव पे थे ऋषिकेश आए, और आज पूरा दिन फिर शूट पे बिजी, तो पूरे 2 दिन और 1 रात हो गई। इसलिए आज हम फिर हरिद्वार रुकेंगे और फिर कल सुबह जाएंगे। हे गाइस बहुत थक गए हैं, डिनर तो कर लिया था, अभी रूम में आ गए, बस अब जाके सो ही रहे हैं और कल सुबह सुबह निकलेंगे घर के लिए। बस आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा व्लॉग हो गया, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे घर पे, अगर वो कुछ बना तो मैं बना दूंगा, नहीं तो क्या बनाऊंगा। फिर आगे आपसे मिलेंगे बेंगलोर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।